महान तपस्वी बाबा गुरदित्ता जी का प्रकाश उत्सव 10 दिसंबर 2014 नूं देश विदेश दी संगत वलों कीरतपुर साहिब विखे बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। बाबा जी दे ज्योति जोत समाउण दे अस्थान ते एक पावन यादगार गुरुद्वारा साहिब दे रूप विच सुशोभित है, जिथे हर साल ए शुभ दिहाड़ा वड्डे पद्धर ते मनाया जांदा है। बाबा गुरदित्ता जी जिथे आप महान तपस्वी अते विद्वान होए हन, उत्थे उन्हां नूं छेवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब दे वड्डे सपुत्तर, सतवीं पातशाही श्री गुरु हर राय जी दे पिता, पंजवें गुरु गुरु अर्जन देव जी दे पोतरे, चौथे गुरु गुरु रामदास जी दे पड़पोतरे, नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी दे वड्डे भ्राता अते तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी दे ताया जी होण दा माण प्राप्त है। जिक्रयोग है कि कीरतपुर साहिब विखे ही बाबा गुरदित्ता जी ने अपनी आमद तो बाद जिस अस्थान ते रिहायश कीती, उत्थे गुरुद्वारा शीश महल बनिया होया है। अते ए ओ पवित्र थां है जिथे गुरु हर राय जी अते गुरु हर कृष्ण साहिब जी दा जन्म होया। 8 दिसंबर 2014 तो शुरू होए अखंड पाठां दे भोग 10 दिसंबर 2014 नूं बाबा गुरदित्ता जी दी याद विच बने गुरुद्वारा बाबा गुरदित्ता जी विखे संपूर्ण धार्मिक रोह रीतां नाल पाए गए। गुरुद्वारा बाबा गुरदित्ता जी दे समुचे कंपलैक्स विच प्रकाश दिहाड़े संबंधी समागम पूरियां धार्मिक रोह रीतां अनुसार सारा दिन चलदा रहा। हजारां दी गिणती विच देश अते विदेश तो पहुंची संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नतमस्तक हो के अपने आप नूं गुरु कृपा दा पात्र बनाउण दे नाल नाल उस अकाल पुरख दा आशीर्वाद प्राप्त कीता। रात समय गुरुद्वारा बाबा गुरदित्ता जी नूं बहुत ही मनमोहक ढंग नाल बिजलई लड़ियां नाल सजाया गया सी, जिस दी देख देखियां ही बनदी सी। देश भर दियां वख-वख धार्मिक संस्थावां तों सैकड़ियां दी गिणती विच पहुंचे संत महापुरशां अते होर धार्मिक आगुआं नूं प्रबंधकां वलों बड़े ही अदब अते सत्कार सहित बिठाया गया। कीर्तन दरबार दी शुरुआत भाई इंद्रजीत सिंह जी दे कीर्तनी जथे वलों रस भिन्ने शब्द कीर्तन नाल कीती गई। भाई बलजिंदर सिंह जी दे कीर्तनी जथे वलों गुरबाणी कीर्तन राही संगत नूं गुरु शब्द नाल जोड़न दा सार्थक उपराला कीता गया। सवेर वेले तो ही संगत लई चाह अते पकौड़ियां दा खुला लंगर निर्विघन जारी रखिया गया। भाई सरवण सिंह जी ने अपने जथे समेत कीर्तन दी अमुल बख्शिश नूं संगत नाल सांझा कीता। भाई बलवीर सिंह जी ने जीवन मौत अते परमात्मा संबंधी गुरबाणी दा हवाला दिंदे होए उस पार ब्रह्म दी उस्तति बारे अपने विचार संगत दे रूबरू पेश कीते अते बाबा गुरदित्ता जी दे जन्म दिहाड़े ते सब नूं मुबारकबाद नाल निवाजिया। बच्ची रणजीत कौर ते साथना वलों मंच तों गुरबाणी दा इक शब्द पेश कीता गया। इसे तरह बीबी जसवीर कौर ने भी शब्द कीर्तन राही दरबार दी शान बधाई। समुचे प्रोग्राम दी कारवाई नूं
महान धार्मिक शख्सियत ज्ञानी किशोर सिंह बंगड़ अते भाई लवप्रीत सिंह जी बहुत ही सूझबूझ नाल चला रहे सन। भाई जसवीर सिंह जी दे कीर्तनी जथे ने भी गुरबाणी दे रस पिन्ने कीर्तन राही संगत नूं निहाल कीता। प्रोग्राम नूं प्रभावशाली बनाउण लई भाई सुखविंदर सिंह गरेवाल मैनेजर तख्त श्री केसगढ़ साहिब दा अहम योगदान रहा, जिन्हां नाल सरदार पलविंदर सिंह, अवतार सिंह टोहड़ा अते जगीर सिंह मीत प्रधान ने भी बीते सालां दी तरह अपने साथियां समेत इस सालाना समागम विच सहायता प्रदान कीती। भाई मक्खण सिंह जी दे जथे वलों भी कीर्तन राही बाबा गुरदित्ता जी दे दरबार ते हाजरी भरी गई। कीर्तन दरबार दी समाप्ति भाई गुरकीरत सिंह हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर जी वालों पेश कीते कीर्तन राही होई, जिस नूं संगत ने एक घंटे तक सुनिया। सतनाम सिंह कवीशर दे जथे ने गुरु इतिहास दा हवाला दिंदे होए कवीशरी राही संगत नूं हमेशा चढ़दी कला विच रहन लई प्रेरिया। प्रिंसीपल सुरेंद्र सिंह जी ने बाबा गुरदित्ता जी दे जीवन संबंधी विस्तार पूर्वक जानकारी दिती अते समाज सेवा नूं उत्तम सेवा गरदानिया। सरदार जरनैल सिंह सुमन ने अपने जथे समेत संगत अगे अपनी ढाडी कला दा खुल के प्रदर्शन कीता, जिस नूं संगत वलों बहुत सलाया गया। ਢਾਡੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। हर साल हजारां दी गिणती विच संगत इस पावन अस्थान ते अपनी श्रद्धा दा इजहार करन लई पहुंचदी है। गुरु दी संगत वलों एक साल विच गुरुद्वारा बाबा गुरदित्ता जी विखे जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे लगभग 3000 दे करीब अखंड पाठां दे भोग पाए जांदे हन अते श्रद्धालु परिवारां नूं श्री अखंड पाठ साहिब दे पावन कारज नूं नेपरे चढ़न लई लगभग 2.5 साल तक इंतजार भी करना पैंदा है। तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी वलों 20 रुपए नाल शुरू कीता गया लंगर दुनिया विच एक अदुत्ती मिसाल है। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच लखां दी गिणती विच पहुंचे श्रद्धालुआं लई भी कदे लंगर दी तोट नहीं आई। इस परंपरा नूं गुरुद्वारा बाबा गुरदित्ता जी विखे सारा साल दिन रात निर्विघन चालू रखिया जांदा है। सेवादारां वलों लंगर अते पंगत दी परंपरा नूं बहुत ही श्रद्धा पूर्वक निभाया जांदा है। इस कार्ज लई लंगर बनाउण अते लंगर बरतौण वालियां दा भी अहम योगदान रहा। गुरु घर दी सेवा नाल जुड़े समुचे कार्जां नूं वख-वख सेवादारां वलों बहुत ही श्रद्धा पूर्वक निभाया गया। संगत दी चरण धूड़ नूं नतमस्तक लाउण लई जोड़ियां दी सांभ संभाल करन अते जूठे बर्तनां दी सफाई करन नाल मन दीआं बुराईआं नूं दूर कीता जा सकदा है अते निमरता दी प्राप्ती हो जांदी है। इह सब कुछ इत्थे वेखण नूं मिलिया। अंत विच गुरु घर दे सेवादारां अते पतवंते सज्जणा दा गुरु दी बख्शिश सिरोपाओ भेंट करके मान सत्कार कीता गया।